हम सब जानते हैं कि इंडिया दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसका इतिहास और संस्कृति बहुत ही रिच है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो चीजें रोज पूरी दुनिया यूज करती है, उसमें से काफी कुछ यहीं हमारे देश में इन्वेंट हुआ था। आपकी शर्ट की बटन से लेकर आपके शावर के शैम्पू तक सब कुछ। नंबर वन, जीरो। पुराने जमाने के लोग हमेशा सोचते थे कि कुछ भी नहीं को दिखाने के लिए कोई साइन होना चाहिए, और उसी की परेशानी 5th सेंचुरी AD में दूर हुई, जो कि हमारे आर्यभट्ट, एक इंडियन मैथ और एस्ट्रोनॉमी जीनियस ने जीरो को इन्वेंट करके दूर की। जीरो ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बहुत सारी दूसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन को काफी आसान बना दिया था। अब दुनिया का सबसे पुराना जीरो ग्वालियर इंडिया के एक मंदिर के दीवारों पर जीरो की कार्विंग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैथ के जीरो कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक बार सोचिए, बिना जीरो के बाइनरी सिस्टम ही ना होता तो कंप्यूटर इन्वेंट कैसे होते? अब बताओ कैसा लगा ये हमारा जीरो। अब नंबर टू, वायरलेस कम्युनिकेशन। जब आप रेडियो कम्युनिकेशन के फर्स्ट एक्सप्लोर के बारे में सोचते हैं, तो गिलेर्मो मार्कोनी के नाम दिमाग में आता होगा। शायद मैं इस नाम को गलत प्रनाउंस कर रहा हूँ, आप नाम और इनकी फोटो देख सकते हैं, और सही बात है, उन्हें 1909 में इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन सर जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो कम्युनिकेशन वेस्ट की अपनी डिस्कवरी पब्लिक को दिखाई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने 75 फीट दूर तक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी, जो दीवारों से गुजरकर एक घंटी बजाती और कुछ गन पाउडर इग्नाइट किया। मार्कोनी ने बोस के इन्वेंशन में मर्क्यूरी कोहरर को यूज किया अपने टू वे रेडियो बनाने के लिए। बोस ने अपने काम का ना ही क्रेडिट लिया और ना ही पेटेंट लिया, इसलिए उन्हें उनकी डिस्कवरी के लिए क्रेडिट आज तक नहीं मिला है। और लोग जगदीश चंद्र बोस की इस इन्वेंशन के बारे में तो जानते ही नहीं है। बोस ने अपने काम का पेटेंट नहीं किया, इसलिए उन्हें उनकी डिस्कवरी का क्रेडिट 1 सेंचुरी बाद ही मिला। नंबर थ्री, दी यूएसबी। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस वायरलेस कम्युनिकेशन से काफी रिसेंट इन्वेंशन है। ये हमें अजय भट्ट, एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर जीनियस ने दिया था, जो 90s में इंटेल के लिए इंजीनियर के रूप में काम करा करते थे। उन्होंने एक यूनिवर्सल पोर्ट का आइडिया तब सोचा था जब वो अपने कंप्यूटर में SD कार्ड डाल रहे थे। याद है SD कार्ड? ये डिवाइस तुरंत ही एक बड़ा हिट बन गया। अजय भट्ट ने खुद अपने इन्वेंशन के लिए ना ही कभी क्रेडिट लिया और ना ही कभी पैसे लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये टीम वर्क का रिजल्ट था। आज दुनिया भर में 10 बिलियन से USB डिवाइस यूज हो रहे हैं, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर गैजेट बनाते हैं। नंबर फोर, चेस। ये सबसे पॉपुलर इंटेलेक्चुअल गेम भी इंडिया का इन्वेंशन ही है। इसका पुराना वर्जन छतरंगा कहलाता था, जो 6th सेंचुरी AD में गुप्ता एम्पायर के द्वारा खेला जाता था। आज के चेस के तरह इस गेम में अलग अलग पीसेस होते थे, हर एक का अलग वैल्यू और कैपेबिलिटी होती थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट किंग फिगर भी होता था, और गेम जीतने का धर्मोद्धार किंग के सुरक्षा पर ही होता था। एक और फेमस बोर्ड गेम जो इंडिया ने दिया था, वो है सांप सीढ़ी। इसका ओरिजिनल नेम है मॉक सपाट, काफी यूनिक नेम है, और इसे 13th सेंचुरी के एक कवि और संत ज्ञान देव ने इन्वेंट किया था। इस गेम में स्नेक्स बुराइयों को दिखाता है और सीढ़ियां नीति को दिखाती हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान ये गेम इंडिया से इंग्लैंड पहुंचा, और बाद में ये US तक भी पहुंच गया। नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी। 6th सेंचुरी BC में एक इंडियन फिजिशियन सुश्रुत ने एक बहुत बड़ा रेफरेंस बुक लिखा था मेडिसिन और सर्जरी पर, जो दुनिया का अर्लीस्ट मेडिकल वर्क्स में से एक है। सुश्रुत, जिन्हें इंडिया में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने कई सारी औषधि का प्रयोग बताया और कई सर्जिकल प्रोसीजर्स का भी जिक्र किया, जैसे नोज रिकंस्ट्रक्शन और स्किन ट्रांसप्लांटेशन, और एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट को रिप्लेस करना भी। राइनोप्लास्टिक सर्जरी, जो कि नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी को कहा जाता है, इस मेथड में जिसमें फोर हेड से स्किन लेकर नोज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता था, वो आज भी यूज होता है। लेकिन तब नोज जॉब्स उन लोगों को दिया जाता था जिनकी नाक को चोरी या अडल्ट्री के लिए पनिशमेंट के रूप में काट दिया जाता था। देख रहे हो अब क्या हो रहा है, कितना बदल गया जमाना। नंबर 6, कैटरक्ट सर्जरी, जिसे मोतियाबिंद सर्जरी भी कहते हैं। सुश्रुत ने सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी के इन्वेंशन ही नहीं किया, बल्कि दुनिया की पहली कंस्ट्रक्ट सर्जरी भी उन्होंने ही की थी। वो भी एक कर्व नीडल का यूज करके अफेक्टेड आईज से लेंथ निकाला था। ये रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर इंडिया के बाहर भी जल्दी पॉपुलर हो गया। दुनिया बाहर के पेशेंट और डॉक्टर सुश्रुत के पास सर्जरी करवाने और उनसे सीखने आने लगे। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कभी किसी को वापस नहीं भेजा। सुश्रुत ने कहा, उनको सारा ज्ञान उनके आयुर्वेदिक मेडिसिन के देवता से मिलता है। इनका नाम आप देख सकते हैं। नंबर 7, रूलर। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 BC से या उससे पहले से रूलर यूज कर रहे थे, और ये रूलर, अरे इसको फुट्टा बोलते हैं, और ये फुट्टा हाथी के दांत से बना होता था। ये फुट्टा एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला, जो कि आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाया गया है। इसका यूज आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा होता था, और वो भी बहुत ही प्रीसियस एक्यूरेसी के साथ। इन रूलर में यूनिट्स 1.32 इंचेस का होता था, सब डिविजन्स भी बना होता था। नंबर 8, योगा।
अगर आपने कभी योगा देखा है या ट्राई किया है, नीचे दी हुई लाइक बटन को हिट कर सकते हैं। तो अगर आप भी कभी योगा प्रैक्टिस करते हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखते हो, तो इसका थैंक्स और किसी को नहीं बल्कि अपने इंडिया को कहना चाहिए। सबसे पहले योगा गुरु थे हमारे भगवान शिवा, जिन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। नॉर्दर्न इंडिया के लोग 5000 साल पहले से ही इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे थे। योगा का जिक्र वेदास, जो कि इंडिया के सबसे पुराने सैक्रेड टेक्स्ट है, में भी मिलता है। उस समय के ब्राह्मण ने योगा को और डेवलप किया और अपने एक्सपीरियंस को एक थीसिस में डॉक्यूमेंट किया, जिसमें 200 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 जून को योगा डे या योगा दिवस बनाने का आइडिया दिया और आज ये एक इंटरनेशनल हॉलीडे है जिसके दुनिया भर में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। नंबर 9, शैम्पू। शैम्पू शब्द हिंदी शब्द शैम्पू से आया है, जिसका मतलब है मसाज या कैनेट। ये सब्सटेंस इंडिया में 1762 में इन्वेंट हुआ था और इसका असली यूज हेड मसाज के लिए होता था, इसी वजह से इसका नाम शैम्पू पड़ा। पहले शैम्पू नेचुरल ऑयल और हर्ब से बनाया जाता था। ब्रिटिश कॉलोनियल ट्रेडर्स इस आइडिया से बहुत इंस्पायर हुए और इसे इंग्लैंड ले गए। इस ओरिजिनल हेड मसाज ऑयल को शैम्पू में बदलने में सालों लग गए, जो आज हम जानते हैं। लेकिन सच है कि आपको अपने बालों की ब्यूटी और क्लीनिनेस के लिए हमारी मातृभूमि को ही शुक्रिया करना चाहिए। नंबर 10, बटन्स। ये क्लॉथिंग स्टेपल हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। कितने सिंपल होने के बावजूद ये कितना रेवोल्यूशनरी है। सबसे पहले बटन्स मोहनजोदड़ो के एक्सप्लोरेशन में मिली, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है। और पहले बटन्स सी सेल्स के बने होते थे और तब इन्हें ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज किया जाता था, ना कि कपड़े को बांध के रखने के लिए। लेकिन इनमें दो होल्स हमेशा थे। तो क्या ऐसा कोई इन्वेंशन है जो आपके लिए बहुत जरूरी है? चलिए इस पर कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइबर हैं तो दोबारा सब्सक्राइब ना कीजिएगा, नहीं तो पता चला एक एक सब्सक्राइबर कम हो रहा हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो खत्म हो सकती है लेकिन नॉलेज नहीं। और आप कमेंट करके टॉपिक भी बता सकते हैं।